हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं फिर से आपके लिए एक फुटबॉल शो का रिव्यू लेकर आया हूं, और जो फुटबॉल शो रहेगा वो ये रहेगा, अंजा मास्टर। अंजा के फुटबॉल शूज का ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है क्वालिटी में और मटेरियल में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ही है। आपको वो जो पहली चीज़ है वो इसका देख रहे होंगे आप, स्टड पैटर्न। इसका जो स्टड पैटर्न है और स्टड जो है डिज़ाइन जो है बहुत यूनिक है, पहला डिफरेंस यही है। उसके बाद आंसर के फुटबॉल शूज बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत लाइट वेट है। उसके बाद बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और ये बहुत लाइट वेट की वजह से आपको यहाँ पे एकदम बेयर फुट सेंसेशन मिलेगा। उसके बाद इसका जो अपर मटेरियल है बना हुआ है PVC पॉलीविनाइल कार्बोनेट सिंथेटिक मटेरियल से। उसके बाद आंसर के फुटबॉल शूज में आपको यहाँ पे क्लॉथिंग मैश मिलता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लॉथिंग मैश है यहाँ पे। सेगा के फुटबॉल शूज में नहीं होता, लेकिन अभी नए सेगा के फुटबॉल शूज में भी आ रहा है ये क्लॉथिंग मैच। इसके वजह से क्या होता है कि आपको अच्छा ग्रिप मिलता है हील में, हील एरिया में, और आंसर के फुटबॉल शूज में हील एरिया में अच्छा ग्रिप और टाइटनिंग मिलता है, तो इसके लिए आंसर के फुटबॉल शूज थोड़े अच्छे होते हैं। सेगा से मैं प्रीफर करता हूँ कि आंसर के फुटबॉल शूज बाई करें, क्योंकि अच्छा होता है और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा होता है, लाइट वेट भी होता है, किसी भी ग्राउंड में इजिली चल जाता है। हार्ड ग्राउंड, मड ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड हो, आर्टिफिशियल ग्राउंड, आंसर के फुटबॉल शूज के स्टड पैटर्न हर ग्राउंड के लिए बने होते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज है वो आपको बता दूँ। सबसे जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये कि इसे वाइट फुटेड प्लेयर्स नहीं पहन सकते। आंजा के ज़्यादातर फुटबॉल शूज़ वाइट फुट, नॉर्मल फुट, नैरो फुटेड प्लेयर्स सब पहन सकते हैं, लेकिन ये एक फुटबॉल शू है आंजा मास्टर जो वाइट फुटेड प्लेयर्स नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि इसका जो ये जो अपर फुट एरिया है, ठीक है, यहाँ आपको ज़्यादा टाइटनिंग मिलता है, तो जो नॉर्मल और नॉर्मल प्लेयर्स हैं उन लोगों के लिए ये आंसर मास्टर जो है अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरा एडवांटेज है वो ये कि इसका साइजिंग का इशू, ये साइज 6 है, ठीक है, ये जो साइज है साइज 6 है, लेकिन ये अगर आप जनरल और ऑफिशियल साइजिंग से देखेंगे तो ये 5.5 है। आंसर के जो 6 यूके के फुटबॉल शूज हैं, जैसे कि आंसर वायु हो गया, आंसर प्रो हो गया, वो सब 6 है, लेकिन जब इसको आप पहनेंगे, मैं खुद 6 का, मेरा 6 यूके मेरा फुटबॉल शू का साइज है, ठीक है, फुट साइज है, तो मैं जब इसको पहना तो मुझे पता चला कि ये 5.5 है, ठीक है, क्योंकि उसका फिटिंग जो है ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर आपको बाय करना है, तो अगर आप वाइट फुट प्लेयर्स हैं, अगर आपको यही बाय करना है, तो आप एक साइड ज़्यादा बाय करें। अगर आप 6 पहन लेते तो 7 बाय करें। अगर आप 7 बाय करेंगे तो वाइट फुट प्लेयर्स के लिए हो जाएगा। तो अगर आपको ये फुटबॉल शू बाय करना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट से बाय करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको वहाँ पे COD मिल रहा है, ठीक है, आपको 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है, एडिशनल एडवांस में। वो 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस हम लोग एडवांस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफर्म होता है ऑर्डर से, हमको समझ में आता है कि हाँ आप बाइक करेंगे शू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप फुटबॉल शू बाइक कर लेते हैं और फिर जब हमारा डिलीवरी होने वाला होता है, तो काफ़ी सारे जो ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो फ़ोन पिक नहीं करते हैं या फिर रॉन्ग अपना फ़ोन नंबर ही गलत दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिलीवरी बॉय है आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता और जो शू है हम लोग के पास वापस रिटर्न हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग थोड़ा लॉस होता है। तो इसलिए हम लोग 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा एडिशनल ले लेते हैं, ताकि उससे समझ में आता है कि हाँ आप जेन्युइन बायर हैं, आपको फुटबॉल शू बाय करना है। उसके बाद सेकंड चीज़, अगर आप हमारे यहाँ से बाय करते हैं तो आपको नेक्स्ट परचेज में आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आपके रेफरेंस से बाय करता है फुटबॉल शू तो आपको 50 रुपीज़ एज ए कमीशन मिलेगा। तो आप चाहे तो हम लोग के साथ काम कर सकते हैं, आपके रेफरेंस से अगर फुटबॉल शू बाय कर रहा है तो आपको 50 रुपीज़ कमीशन मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं हम लोग सब काम करना, तो ज़रूर नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप DM कर दें। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपना, और मिलते हैं इस वीडियो में। ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।